अरविंद केजरीवाल को अंतिम जमानत मिलने से आप कार्यकर्ताओं में जश्न। आप कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहब को किया नमन। खबरों के प्रायोजक है SGS पब्लिक स्कूल। SGS पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में डेढ़ माह से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को काफी प्रयासों के बाद आखिरकार 1 जून तक की अंतिम जमानत मिल गई है, जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पन्ना जिले की तेज तर्रार नेत्री एवं आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव अंजलि यादव सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने आज अम्बेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया और मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जीत हमेशा सत्य की होती है। भाजपा ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से दूर करने के लिए ED का दुरुपयोग कर जेल भिजवाया, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। केजरीवाल जी को 1.5 महीने से ED बना BJP के दबाव में जो बंद करके रखा था वो अंतरिम जमानत 1 जून तक की दे दी है, और जो चाहा था BJP ने, जो गुंडागर्दी करके कि इसमें जा नहीं पाए, वो चुनाव में अपना मुद्दा नहीं रख पाए, अपनी बात नहीं रख पाए, वो मंसूबे उनके फेल हुए। इसलिए जो संविधान और लोकतंत्र दोनों की रक्षा करने वाली जो पार्टी है हमारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केजरीवाल जी, और उनको आज उन्हें छोड़ना पड़ा। इसलिए आज हम लोगों ने पन्ना में अम्बेडकर जी की मूर्ति जो संविधान के निर्माता हैं उन पर अपनी खुशी जाहिर की है और अपनी जीत एक तरह से हम लोगों ने महसूस की है कि आखिर इनको छोड़ना ही पड़ा, और जीत और सत्य की हमेशा सत्य की जीत ही होती है, और वही हुआ।